व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनवाइंडिंग? अनवाइंडिंग यानी क्या? सपोज करो कि ये डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ओके? अब ये डीएनए के अंदर आपने यहाँ पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ने समझो कट कर दिया, अब या तो फिर समझो सपोज करो कि मैं ये आपको बूट दे रहा हूँ, ओपन ही नहीं होगा तो इसके अंदर का कंटेंट का आप लोग जीरोक्स कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, तो कॉपी करने के लिए ये बुक ओपन होना जरूरी है, इसके पेज दिखने जरूरी है। सो अल्टीमेटली अगर मुझे डीएनए का कॉपी करना है, ओके, अगर मुझे डीएनए का कॉपी करना है तो डीएनए पहले जो बाइंडिंग है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? सेपरेट करना पड़ेगा। नाउ यू ऑल यू नो दैट डीएनए के बीच में क्या होता है? ऑल ऑफ यू नो डीएनए के बीच में किसका बॉन्ड होता है? दो स्ट्रैंड के बीच में किसके बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉस्फेट तो न्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है, याद रखो, ओके? सी ऑल ऑफ यू लिसन हियर, ये एक स्टैंड है, ये हर एक स्टैंड में छोटे छोटे जो यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के बीच में होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और दो स्टैंड के बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके बीच में होता है? सो ये होता है जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो दोनों अटैच होते हैं और उन दोनों के अटैचमेंट के बीच में होता है डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ACTG जो हम लोग बोलते हैं ना, A के अपोजिट T, तो A और T के बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, C और G के बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ऑल ऑफ यू क्लियर? तो ये देखो ये सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस के बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है, डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। सो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? वो डीएनए को सेपरेट करना पड़ेगा और उसको कॉपी करना है। सो वही पॉइंट दिया है, द थर्ड पॉइंट इज अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, मतलब हमको डीएनए को क्या करना है? सेपरेट करना। सो इसके लिए कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा है? देखो, नाउ एंजाइम डीएनए हेलिकेज ऑपरेट्स बाय ब्रेकिंग वीक हाइड्रोजन बॉन्ड इन द विसिनिटी ऑफ ओ, ओ यानी ओरिजिन, मतलब कि सपोज करो ये एक डीएनए स्टैंड है, ये डीएनए स्टैंड के अंदर यहां से ओरिजिन, सपोज करो ये मेरे फिंगर्स के पास, समझो कि ये फिंगर्स के पास ये पॉइंट यानी ओरिजिन का पॉइंट है, तो यहाँ पर सपोज करो ये एक हेलिकेज एंजाइम है और ये हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा? इसको दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको कट करते हुए आगे जाएगा और फिर ये दोनों डीएनए क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। सो डीएनए को सेपरेट करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? डीएनए हेलिकेज, और ये दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। ऑल ऑफ यू क्लियर? सो वही देखो यहाँ पे डायग्राम में, ये देखो, यू कैन सी दिस, ये जो ब्लू कलर का रिंग है दैट रिंग इज नथिंग बट द डीएनए हेलिकेज एंजाइम। ये एंजाइम जैसे जैसे आगे जा रहा है ये क्या करेगा? तो दो डीएनए के बीच में जो स्टैंड के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको ब्रेक करता हुआ आगे जाएगा। बट स्टार्टिंग पॉइंट ये कहां से स्टार्ट करेगा? तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये, और ये स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सो दैट स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज अ ओ, ओरिजिन। ऑल ऑफ यू क्लियर? मतलब चर्चगेट टू ढहाणू ट्रेन है तो चर्चगेट हो गया उसका ओरिजिन का पॉइंट, सो वहां से वो उसको कट करते हुए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द स्टैंड ऑफ डीएनए सेपरेट एंड अनवाइंड, जैसे जैसे हेलिकेज इसको सेपरेट करेगा तो ये क्या होगा? सेपरेट होगा और अनवाइंड होगा, यानी कि वो सेपरेट हो जाएगा। नाउ दिस अनवाइंडिंग इज बाय डायरेक्शनल, दो साइड में सेपरेट हो रहा, सो दैट इज कॉल्ड एज अ बाय डायरेक्शनल, दो साइड में सेपरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ बाय डायरेक्शनल, एज अ कंटिन्यू एज अ वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्म। अब क्या होगा? देखो डीएनए, जब ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड था और हेलिकेज एंजाइम ने इसको क्या किया? सेपरेट किया, तो ये सेपरेट होते होते क्या करेगा? ये डीएनए आगे जाके वाई शेप का एक शेप फॉर्मेशन करेगा, एंड दैट वाई शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ रेप्लिकेशन फॉर्म। नाउ यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये पिक्चर्स में भी आपको दिख रहा होगा, देखो ये जैसे जैसे डीएनए को सेपरेट करते जा रहा है तो वो डीएनए वाई शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, एंड दिस वाई शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ रेप्लिकेशन फॉर्म। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, ईच सेपरेटेड स्टैंड नाउ एक्ट्स एज अ टेम्पलेट। अब देखो ये जब डीएनए डबल स्टैंडर्ड था इसको हेलिकेज एंजाइम ने सेपरेट कर दिया, सेपरेट होने के बाद सिंगल स्टैंड मिल गए, और ये दोनों भी सिंगल सिंगल स्टैंड जो हमको मिल रहे हैं इसको हमको बोलना है टेम्पलेट।
दैट इज कॉल इट एज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट यानी कि इसका ही यूज करके, मतलब जेरोक्स करने हम लोग जाते हैं तो हमारे पास जो ओरिजिनल कॉपी होता है ना, सो वैसे ही डीएनए से, जिस डीएनए से कॉपी होके नया डीएनए बनेगा, सो दैट मेन डीएनए इज कॉल इट एज अ, दैट मेन डीएनए इज कॉल इट एज अ, दैट मेन डीएनए इज कॉल इट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। मंथन आवाज बराबर है? सर आवाज कट रहा है सर। नहीं तेरे यहाँ कुछ प्रॉब्लम है इंटरनेट का? मैं दो डिवाइस यूज कर रहा हूँ। अरे मेरी बात तो सुन, मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो मेरे मोबाइल में बोल रहा हूँ और ये मुझे सुनाई दे रहा है मेरे लैपटॉप से, समझा? और मुझे एकदम क्लियर आवाज आ। सामने सामने आपको कैसे पता चलेगा कौन सा क्लियर है क्या है? यहाँ पे नहीं आ रहा है अच्छे से आवाज। अब मैं तुम्हें इंग्लिश में बोलू, जैसे तुम डिवाइस यूज कर रहे हो वैसे ही मेरे यहाँ भी दो डिवाइस है। मैं एक डिवाइस से बोलता हूँ और वो आवाज मेरा ही आवाज मुझे आ रहा, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ ना तो ये स्पीकर में क्यों रखा हूँ, मैं इसे साइड में भी कर सकता हूँ। तो मैं बीच बीच में क्या चेक करता हूँ कि वहां पे आवाज मुझे बराबर आ रहा है क्या, ये हमेशा क्यों नहीं रखता हूँ, मेरा ही आवाज मुझे आता है, समझा? ओके सो अगर मेरा आवाज मुझे क्लियर आ रहा है मतलब इंटरनेट का कोई, इंटरनेट के इशू के वजह से तुमको प्रॉब्लम आ रहा है। मेरा आवाज अगर मुझे नहीं आ रहा है तो मेरे यहाँ इंटरनेट का इशू है या तो मेरे यहाँ डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम है, समझा? सो हम लोग कहाँ पर थे? टेम्पलेट के ऊपर। सो ऑल ऑफ यू क्लियर? डीएनए को, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हेलिकेज एंजाइम सेपरेट करेगा। सेपरेट करने के बाद जो दो सिंगल स्ट्रैंड हमको मिलेंगे दैट विल कॉल इट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसको हमको क्या बोलना, यू कैन सी दैट दिस इज कॉल इट एज अ टेम्पलेट। अब नेक्स्ट स्टेज में क्या हो जाएगा देखो, द टू सेपरेटेड स्ट्रैंड आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रिकॉइलिंग एंड रीजॉइनिंग by single stranded binding protein, that is SSBP. Single stranded binding protein remain attached to both the separated strand so as to facilitate the synthesis of new polynucleotide strand. Okay, suppose करो कि ये book है, okay? मैंने ये book को ऐसे open कर दिया, ये new book मैंने लिया और मैंने this table पे ऐसे open करके रख दिया छोटा सा open कर, फिर इससे ये क्या हो जाएगा, book अपने आप क्या हो जाएगा, वो अपने आप क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। सो सेम थिंग जब डीएनए होता तो फिर जो भी हमने पढ़ा है उसको हमको नेक्स्ट टाइम फिर से पढ़ना, तो हम लोग फिर से वो बुक में तो वो पेज को फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते, वी आर यूजिंग दैट मार्क। हम लोग कलर कलर के अलग अलग स्केच पेन के जो भी कलर के जो स्टिकर होते हैं वो हम लोग वहां पे स्टिक कर देते, वो हमको मार्क कर देते। सो सेम थिंग डीएनए हेलिकेज एंजाइम जब डीएनए को सेपरेट कर देगा, तो सेपरेशन के बाद ये डीएनए फिर से बाइंड हो सकता है। टू प्रिवेंट दैट बाइंडिंग देयर इज अ, इन अ न्यूक्लियोप्लाज्म देयर इज अ वन प्रोटीन दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। मतलब जो सिंगल स्टैंड बना है उसको बाइंड करने वाले वहां पर प्रोटीन होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन जैसे ही उस सिंगल स्टैंडर्ड स्टैंड को अटैच हो जाएंगे तो वो दोनों भी स्टैंड एक दूसरे को अटैच नहीं होंगे। नाउ कैन सी इन दिस डायग्राम, ये आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, देखो हेलिकेज एंजाइम यहाँ कट करते हुए जा रहा है, ये ब्लू कलर का रिंग, और उसके पीछे देखो क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ये जैसे ही इसको अटैच हो जाएंगे न्यूक्लियोप्लाज्म में से आके, सो ये फिर से दोनों भी स्टैंड का अटैचमेंट प्रिवेंट हो जाएगा, मतलब कि वो अटैच नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट थर्ड नंबर प्रोसेस, दैट इज अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। नाउ वी विल गो टू अ फोर्थ पॉइंट that is replication fork. Replication fork हमने already study किया था, what is the meaning of replication fork? So after the separation helicase enzyme DNA को जैसे जैसे cut करते जाएगा उसके बाद जो Y shape structure का formation होगा, that Y shape fork is call it as a replicating and replication fork. So वही देखो यहाँ पर दिया, the point formed due to unwinding and separation of two strand,
लाइक वाई शेप स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन हो रहा है, सो दिस वाई शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इट एज अ रेप्लिकेशन फॉर्क और रेप्लिकेटिंग. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द अनवाइंडिंग ऑफ स्टैंड इम्पोजेज स्ट्रेन विच इज रिवील्ड बाय सुपर हेलिक्स रिलीजिंग एंजाइम. अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो भी हम लोग अनवाइंडिंग कर रहे हैं डीएनए, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ऐसे ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और इसको ऐसे सेपरेट करते जाए, बट हमने यूकैरियोट के अंदर देखा था कि डीएनए पैकेजिंग क्या होता है, न्यूक्लियोसोम के ऊपर वो कितना फिटली बाइंड होता है. सो वो उसके अंदर क्या होता है, वो पूरा का पूरा बाइंडिंग भी तो है ना, तो ये बाइंडिंग के लिए वो जो न्यूक्लियोसोम होता है वहां पर एक एंजाइम सिक्रेट होता है. कौन सा एंजाइम है, सुपर हेलिक्स रिलीजिंग एंजाइम. मतलब हमने क्या लिया था, जो डीएनए होता है वो डीएनए न्यूक्लियोसोम यानी कि जो हिस्टोन ऑक्टामर है उसके ऊपर अटैच होगा, फिर हिस्टोन के ऑक्टामर एक दूसरे को रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, फिर वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर फिर से एक दूसरे के ऊपर रिंग लाइक. तो ये जो सुपर कॉइल स्ट्रक्चर है, हम लोग ये तो बोल रहे हैं कि डबल स्टैंडर्ड को ये हेलिकेज एंजाइम सेपरेट करेगा, बट उसको पहले तो वो डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंड के फॉर्म में तो मिलने चाहिए, थ्रेड में तो मिलने चाहिए. अगर उसको जस्ट जस्ट सपोज करो, एक मिनट, हाँ सपोज करो कि ये एक रील है, इसके अंदर ये थ्रेड है. अब ये थ्रेड को हम लोग बोल रहे हैं डीएनए है, ओके ये जो थ्रेड है दैट इज डीएनए. इस थ्रेड को हेलिकेज एंजाइम सेपरेट कर सकता है, बट यहाँ पर जो बाइंडिंग है ये पूरा का पूरा, इसको कौन ओपन करेगा, तो इसके लिए न्यूक्लियोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है दैट इज सुपर हेलिक्स रिलीजिंग एंजाइम. ये एंजाइम क्या करेंगे, तो ये जो सुपर कॉइलिंग है इसको ओपन करेंगे और उसके वजह से वो धीरे धीरे ओपन होगा और फिर हेलिकेज एंजाइम उसको कट करता जाएगा. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट दैट रेप्लिकेटिंग फॉर एन सुपर हेलिक्स रिलीजिंग एंजाइम. देखो नेम के अंदर ही मीनिंग है, सुपर हेलिक्स रिलीजिंग एंजाइम. जो सुपर हेलिक्स इसके पहले हमने स्टडी किया था यूकैरियोट में, उसको रिलीज करने के लिए जो एंजाइम है दैट इज सुपर हेलिक्स रिलीजिंग एंजाइम, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में ही डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम में रिलीज होता है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड. अब हमारे पास डीएनए है, डीएनए को हेलिकेज एंजाइम में सेपरेट भी कर दिया, अब हमको क्या करना है, तो अब हमको इसका कॉपी करना है, दोनों भी स्टैंड को कॉपी करके दो नए स्टैंड का फॉर्मेशन. सो वो पॉइंट यहाँ पे दिया. नाउ वी विल सी दैट राइटिंग पार्ट में क्या है. ईच स्टैंड, ओके ईच सेपरेटेड स्टैंड, ईच सेपरेटेड यानी एक डीएनए से दो सेपरेटेड स्टैंड हमको मिल गए. ईच सेपरेटेड स्टैंड एक्ट्स एज अ टेम्पलेट, मतलब हर एक जो डीएनए स्टैंड जो सिंगल स्टैंड बने हैं, इन दोनों को भी हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्पलेट. टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड. सो ये टेम्पलेट यानी क्या है, तो इसको ही दूसरा नाम दिया है मोल्ड. मोल्ड यानी इम्प्रेशन उसके, जैसे कि अगर देखो पीओपी का वगैरह या तो कुछ गणपति या तो कुछ भी बनाते हैं, तो वो उनके पास क्या होता है, उनके पास ऑलरेडी प्लास्टिक वगैरह का पॉट होता है, और उस प्लास्टिक के पॉट में वो लोग पीओपी या तो सीमेंट वगैरह डाल देते, उसका इम्प्रेशन उस पर आ जाता है. तो वैसे ही हमारे पास ये जो दो डीएनए स्टैंड सेपरेट हुए हैं सिंगल स्टैंडर्ड, इनको हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट, जिसके यूज करके हमको नए स्टैंड का फॉर्मेशन कर. नाउ द नेक्स्ट पार्ट, इट बिगेन्स विद द हेल्प ऑफ स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड आरएनए प्राइमर. ओके देखो आरएनए प्राइमर से जाने के पहले हम लोग थोड़ा सा ये प्रोसेस क्या है वो देख लेते. देखो जैसे कि अगर मैंने बोला कि सपोज करो कि हमको जैसे कि अभी यहाँ पर समझो कि पालघर बोईसर जो भी है दोनों के बीच में एक ब्रिज है, और वो ब्रिज बारिश में ऐसे बह गया, पूरा का पूरा ब्रिज बह गया. उसमें से ऐसे समझो कि ब्रिज जो भी ब्रिज यानी कि जो रूट है जिसके ऊपर से हमारा ट्रेन जाने वाला. अब रूट के ऊपर तुमको पता है दो रूट होता है, ओके सो डीएनए स्टैंड भी डबल स्टैंडर्ड होता है, बराबर है. सो ऐसे समझो कि गाड़ी के उसके ऊपर से लेके जाना है रूट के ऊपर से, तो हमको तो दो रूट लगेगा, बट ऐसे समझो कि कुछ बारिश आया और एक रूट पूरा का पूरा बह गया, एक ही रूट वहां पर बचा है, मतलब जो भी एक रूट होता है वो एक ही बचा, तो उस एक रूट के ऊपर से तो गाड़ी नहीं जा सकता, तो अल्टीमेटली हमको एक नया रूट तो बनाना पड़ेगा. सो सेम थिंग ये जो डीएनए रेप्लिकेशन होने वाला है, तो ये डीएनए रेप्लिकेशन के लिए एक एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड एज अ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का काम क्या है,
तो वो क्या करेगा, हमने जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड पहले स्टेज में बने थे उनको ये क्या करेगा, मतलब ये देखो, नाउ कैन सी दैट ये जो है टेम्पलेट स्टैंड है, ओके ये टेम्पलेट स्टैंड है, तो ये टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर ये जो आपको कलर कलर के सिक्वेंस मिल रहे हैं, सो दैट कलर कलर इज नथिंग बट द सिक्वेंस है, वो कौन से सिक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड के सिक्वेंस है, ए सी टी जी। तो अब क्या करेगा, हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म जो है उसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, ओके डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और यूकैरियोट प्रोकैरियोट में पॉलीमरेज, और यूकैरियोट में दैट पॉलीमरेज अल्फा, ऐसे करके कुछ एंजाइम। सो ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम का काम है कि न्यूक्लियोप्लाज्म में जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड है उसको यहाँ पर ज्वाइन करते जाए, उसको क्या करना है, मतलब देखो ये सिंगल स्टैंडर्ड है ना, तो इसमें समझो ये येलो वाला समझो एडेनाइन है, तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म में से उठाएगा थायमिन वाला न्यूक्लियोटाइड और यहाँ पे ऐड करेगा। बट उसका प्रॉब्लम क्या है कि वो डबल स्टैंड पर ही आ सकता है, वो सिंगल स्टैंड पे एक्ट नहीं करेगा। ऑल ऑफ यू क्लियर, हमारे पास है सिंगल स्टैंडर्ड, बट सिंगल स्टैंड के ऊपर डीएनए पॉलीमरेज आके अटैच नहीं हो सकता है। So, इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज के लिए हमको डबल रूट रखना बहुत जरूरी है। सो इसके लिए न्यूक्लियोप्लाज्म में छोटे छोटे आरएनए के सीक्वेंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आरएनए प्राइमर। सो ऑल ऑफ यू क्लियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरएनए प्राइमर, आरएनए प्राइमर का मीनिंग होता है आरएनए दैट इज राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए सभी को पता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है, तो छोटा सा न्यूक्लियोटाइड का आरएनए का सीक्वेंस जो इस सीक्वेंस में, मतलब जहां से ओरिजिन का पॉइंट है ना, वहां से अगर वो बराबर मैच करता होगा, यानी कि ए के अपोजिट में टी होगा आरएनए पे, सी के अपोजिट में ये स्टैंड पे अगर सी है तो सी के अपोजिट में अगर आरएनए प्राइमर पे जी होगा, तो ऐसा छोटा सा सीक्वेंस जो होता है आरएनए का, दैट इज कॉल्ड एज आरएनए प्राइमर, और वो ऑलरेडी न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं। तो ये आरएनए प्राइमर क्या होंगे, वो आके यहाँ पर अटैच हो जाएंगे, कहाँ पे अटैच हो जाएंगे, जहां से ओरिजिन यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है वहां पर आके अटैच हो, और ये जैसे ही आके अटैच हो गए तो देखो अभी हमारे पास क्या हो गया, दो रूट हो गया ना, हमारे पास पहले ये सिंगल स्टैंडर्ड था लेकिन इतना सा पार्ट भी दो रूट का हो गया ना, अब ये दो रूट होने के बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके यहाँ पे अटैच हो सकता। उसका खाली प्रॉब्लम इतना था कि उसका ऐसा कहना था मैं काम करूंगा बट मुझे डबल स्टैंड की जरूरत है तभी मैं आके काम करूंगा। तो इसीलिए न्यूक्लियोप्लाज्म में जो छोटे से आरएनए के सीक्वेंस है वो जो कम्प्लीमेंट्री बराबर इनसे मैच होते हैं ओरिजिन के पॉइंट पे वहां पर आके अटैच हो जाते हैं। सो वही पॉइंट दिया, देखो इट बिगेन्स विद द हेल्प ऑफ स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर गेट एसोसिएटेड विद द 3' एंड ऑफ टेम्पलेट स्टैंड। देखो ये प्रोसेस कहां से स्टार्ट हो रहा है वो भी मेन है, प्रोसेस 3' एंड ऑफ अ टेम्पलेट। डीएनए के अंदर दो साइट होता है सभी को पता, सुमित्रा तुम्हारा वीडियो ऑन है, सी ऑल ऑफ यू लिसन हिम जस्ट अ मिनट ऑल ऑफ यू, ओके द आरएनए प्राइमर गेट एसोसिएटेड विद द 3' एंड ऑफ टेम्पलेट स्टैंड एंड अटैक्स कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड from surrounding nucleoplasm. All of you clear? So अब RNA primer क्या हुआ? तो RNA primer आके वो जो single stranded जहाँ से start. अब देखो start भी कहाँ से हो रहा है? तो DNA के अंदर दो अलग-अलग side होते हैं. DNA का एक side में 3' होता है और दूसरा 5'. अब ये 11th में मैंने पढ़ाया था, अगर तुमको याद आ रहा होगा तो nucleotide जब attach होते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड को जब अटैच होता है तो पहले वाले न्यूक्लियोटाइड का 5' और दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड का 3', मतलब थर्ड वाला कार्बन और पहले वाले का 5th वाला कार्बन अटैच होता है। तो अब देखो ये दोनों न्यूक्लियोटाइड जब अटैच हो गए तो पहले वाले ने तो उसका 5th वाला अटैच कर दिया इसके साथ और इसने इसका 3rd वाला, तो अब क्या हो गया, पहले वाले का 3rd वाला कार्बन फ्री है, सो उस एंड को डीएनए के बोलना है 3', और जहां पर 5th वाला कार्बन फ्री है उसको हमको बोलना है 5'। ऑल ऑफ यू क्लियर? सो देखो ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए ओपन हो रहा है, तो ये डीएनए ओपन हो रहा है तो इसका ये साइड, ये वाला साइड है 3', और ये साइड है 5', मतलब इसी डीएनए का ये वाला साइड रहेगा, ये वाला साइड इसी डीएनए का दूसरा साइड रहेगा 3',
और ये डीएनए का दूसरा साइड। सो रेप्लिकेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये थ्री प्राइम टेम्पलेट, टेम्पलेट यानी कि जो ये दो नए स्ट्रैंड बने हैं उनको हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट, और उस टेम्पलेट के थ्री प्राइम एंड के ऊपर आके आरएनए वाला क्या हो जाएगा, प्राइमर, छोटा सा आरएनए का सीक्वेंस कंप्लीमेंट्री वाला आके यहाँ पर अटैच हो जाएगा। सो ऑल ऑफ यू क्लियर? ओके, यहाँ पर इतना हो। नाउ वी विल गो विद दैट नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट में अब सिंथेसिस हो रहा। ओके, नेक्स्ट पार्ट में सिंथेसिस हो रहा। नाउ देखो यहाँ पर क्या हो रहा, दिस न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल bind to the complementary nucleotide on a template strand by forming a hydrogen bond. पहले RNA primer आके अटैच हो गया, RNA primer के बाद फिर क्या हो गया, तो हमारे पास जो पहले से activated nucleotide थे अब वो यहाँ पे अटैच होना स्टार्ट हो जाए, और वो अटैच होंगे तब क्या होगा, तो दोनों के बीच में फिर से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन। बट अटैचमेंट उल्टा सीधा कैसे भी नहीं होगा, अगर हमारा टेम्पलेट वाला जो स्टैंड है, जो मेन स्टैंड है जिससे कॉपी करने वाले हैं, जेरोक्स में कॉपी में क्या होता है, जो वर्ड टू वर्ड उसका पूरा कॉपी करता है, यहाँ पर ऐसे नहीं है, यहाँ पर भी वैसे ही है, बट यहाँ पर अगर एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड है ऊपर वाले स्टैंड में, तो उसका अपोजिट वाला जो न्यूक्लियोटाइड एड होगा वो थाइमिन, सी है साइटोसिन तो गोनाइन, जी है तो साइटोसिन, और टी है तो थायमिन, मतलब ए के अपोजिट में टी, टी के अपोजिट में ए, सी के अपोजिट में जी और जी के अपोजिट में सी, ऐसे वाले एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड धीरे 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 क्या होंगे, ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है सेकेंड वाला डायग्राम, देखो ये फर्स्ट वाले में आरएनए प्राइमर अटैच हो गया, आरएनए प्राइमर अटैच होने के बाद क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ये डीएनए पॉलीमरेज आके, मैंने क्या बोला था डीएनए पॉलीमरेज आएगा ना, तो ये देखो डीएनए पॉलीमरेज आ गया, बट डीएनए पॉलीमरेज कब आएगा, वो डबल स्टैंड पे आएगा, तो ये आरएनए हमने क्यों लगाया, आरएनए प्राइमर लगाने के बाद ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये आके आरएनए जहां पर अटैच हुआ था ओरिजिन का पॉइंट वहां पे आके अटैच हो जाएगा, अटैच होने के बाद वो उसको रीड करना स्टार्ट कर देगा, मतलब ये जो टेम्पलेट स्टैंड है इसके सिक्वेंस को रीड करेगा, और न्यूक्लियोप्लाज्म में से जो एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड बराबर अपोजिट है उसको फिर ये अटैच करते हुए जाएगा। सो वही पॉइंट यहाँ पे दिया, देखो न्यूली बाउंड न्यूक्लियोटाइड्स गेट इंटरकनेक्टेड फॉस्फोडाइस्टर। तो पहले तो इन्होंने बोला कि ये जब अटैच होगा तो दोनों के बीच में, दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, फिर दो न्यूक्लियोटाइड, अब पहले अब यहाँ समझो ए आ गया, फिर आ गया टी, तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो देखो दो स्टैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना, उसके बाद दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, मतलब पहला वाला न्यूक्लियोटाइड आके अटैच हो गया, फिर दूसरा आया, सो दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, फॉस्फोडाइस्टर। ऑल ऑफ यू क्लियर, सबको समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? देखो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट, ये देखो ये थोड़ा सा, देखो ये डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पे पहले ये समझो, देखो कौन सा कलर है, येल्लो, आपको स्मॉल दिख रहा होगा मेरा कर्सर, देखो सो ये कर्सर के पास देखो, जस्ट ए मिनट ऑल ऑफ यू, ये देखो ये कर्सर के पास ये येलो वाला न्यूक्लियोटाइड है, फिर ग्रीन वाला ऐड हुआ, सो जब ये येलो वाला ऐड हुआ तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना, ऊपर वाला जो वॉयलेट है इधर पे रेड और ग्रीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना, फिर अब ये ग्रीन वाला और ये येल्लो वाला दोनों के बीच में, दोनों न्यूक्लियोटाइड है और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सो वही दिया है, देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ऐसे करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड अटैच होते रह रहे और फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया है, द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड इज कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। सो ये जो सिंथेसिस कर रहा है ना, इसके लिए कौन सा एंजाइम है, तो यहाँ पर देखो दिया है दैट इज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसके लिए यूज होगा। Okay, so that is catalyzed by DNA polymerase enzyme. And new complementary stand is always in 5-3. देखो, पहला वाला stand 3-5 है, ये जब opposite बनाएगा ना, तो 3 के opposite में यहाँ 5 आ गया, तो हमें हमेशा याद रखना, replication में जो नया stand बनेगा, ये 5-3 बनेगा। और direction भी उल्टा है, देखो, अब देखो, यहाँ पर जब ये हो रहा है ना, पूरा process, तो ये 3 से स्टार्ट हुआ यहाँ से, लेकिन आप लोग बोलेंगे कि सर आपने बोला था थर्ड वाले पे प्राइमर ऐड होगा,
तो ये जो दूसरा वाला स्टैंड है यहाँ पे तो 5' लिखा है, तो इसका आरएनए प्राइमर कहाँ अटैच होगा? इसका आरएनए प्राइमर यहीं पे अटैच होगा, थर्ड वाले पोजिशन, मतलब एक जगह पे पहले वाले पे, थर्ड पे यहाँ पे, तो दूसरा वाला डीएनए का थर्ड वाला यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर अटैच होगा, मतलब पहला वाला डीएनए इस डायरेक्शन में सिंथेसिस करेगा और दूसरे वाले स्टैंड पे डीएनए उल्टे डायरेक्शन में बनेंगे और दोनों भी स्टैंड 5-3 के डायरेक्शन में बनेंगे. ओके, सो वही पॉइंट यहाँ पे दिया है दैट न्यू स्टैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड इज ऑलवेज फॉर्मिंग 5-3 डायरेक्शन. 5 और 3 क्या है वो मैंने ऑलरेडी बताया. सो